और बच्चों कैसे हो? फिर से आ गया मैं नया वीडियो लेके आपके पास। आज सबसे पहले तो लाइक करो, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो करो, बेल बटन को दबाओ और वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम लोगों के साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो, और चार पांच फ़ोन पकड़ के वहाँ से भी सब्सक्राइब कर दो। ये चीज़ मैं पहले ही बोलता था, बाद में फिर आ जाती कभी कभी। बाकी ये मौसम आप पीछे देख रहे हो, अब तो सर्दियाँ खैर चली गई हैं और अभी 8:15 का टाइम है सुबह का और यू कैन सी द सनलाइट कितनी ज़्यादा है, सूरज एकदम ऊपर आ गया और सर्दियों को तो टाटा बाय बाय हो गया। टाटा बाय बाय जो लोगों ने जो जूम की क्लासेस लगाई हैं दिनों एक उसमें टाटा मोमेंट रहती थी, तो इस तरह से ही वो विंटर को भी अब तो इफेक्टिवली टाटा हो गया। होली आने वाली थोड़े दिनों में, तो होली के लिए क्या किया जाए वो तो चलो इस बारे में भी बात नहीं करेंगे। अभी आप सोच रहे होगे मैं कौन सा फ्लावर आपके लिए लाऊंगा, थोड़ा सरप्राइज़ है। आज तो मैं ये पूरा गमला ही ले आया हूँ आपके लिए। गमला कहते हैं, आप इसको शायद वास कहते होगे, पिटूनिया। यहाँ पे हमारा टेरेस गार्डन है छोटा सा और काफ़ी सारे फ्लावर्स और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स यहाँ पे लगी हैं। अभी आज मैं तो थोड़े दिनों बाद आया हूँ ऊपर, मैंने देखा अलग अलग कलर के पिटूनिया तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खिले हुए हैं और बाकी जो जनरल देते हैं मैरीगोल्ड वगैरह वो तो है ही। और जो खास बात है कि जो नींबू के पेड़ हैं उन पर फ्लावर्स आ गए तो फिर फ्रूट भी आएंगे। एक पहले से लगा हुआ नींबू अभी भी मैंने तोड़ा, यू कैन सी दिस। चलो अब काम की बात पे आते हैं। सबसे पहले तो हमेशा की तरह जो मुझे कहना चाहिए, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर ऑल द लव। पिछला वीडियो जो था वो जो तीन छुट्टियों के दौरान कैसे प्रिपेयर करना है बोर्ड का एग्ज़ाम केमिस्ट्री का, उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। प्यार सिर्फ वीडियो देखने वाला नहीं दिया, वो इसके अलावा जो मैंने प्लान बताया था उसको फॉलो करते हुए और जो जो मैंने साथ टेस्ट और शीट्स वगैरह भेजी थी उनको करते हुए उसी तरीके से बहुत लोगों ने प्रिपरेशन की और उसका मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया, वो तो बेस्ट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लव यू ऑल, आप लोग तो बहुत ही अच्छे हो। तो चलो ये तो पिछली बातें होगी, अभी ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ना गर्मी सी हो रही, लेकिन फिर भी टेरेस पे आके वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका रीज़न ये है कि वो एक तो पीछे आप देख रहे हैं थोड़े से वो प्लांट्स नज़र आ रहे हैं और खुद मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरे चारों तरफ प्लांट्स ही हैं और कभी कभी जब मैं बोलता हूँ तो पीछे से बर्ड्स यूँ करके जाएंगे, वो तो एकदम एक एस्थेटिक सा फील आ जाता है। वो देखो कभी भी क्या जैसे कहा वैसे ही, उसको मैंने नहीं कहा जाने के लिए, बस वो था इधर। तो कभी कभी तो काफ़ी सारे इकट्ठे भी जाते हैं ग्रुप में, लेट अस सी अभी आते हैं कि नहीं, और इससे तो बहुत मज़ा आता है। अब ये मज़ा आता है मतलब, और एक इंजॉय करते हैं अपने काम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है लाइफ का, कैरियर का और उन सब बातों का जो हम करना चाहते हैं। ऐसे ही मेरे मन में अभी एक बात आ गई, आपसे शेयर करता हूँ। देखो आप कभी किसी को देखो, कोई जो स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई सिंगर है या कोई म्यूजिशियन है, कोई ड्रमर है, कोई गिटारिस्ट है, कोई सॉकर खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई राइटर है, अब इंक्लूडिंग एवरीथिंग हर तरह से बात कर रहा हूँ, कोई सोशल एक्टिविटिस्ट है, कोई स्टूडेंट है या कोई टीचर है, नेम एनी प्रोफेशन, एनी कैरियर, एनी टाइप ऑफ फ्रीलांसिंग, कुछ भी, अगर आप उनको ध्यान से उनका काम करते हुए ऑब्जर्व करो, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते किसी को पर्सनली तो आप ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम वगैरह पे, आप जस्ट किसी को परफॉर्म करते हुए देखो तो उसमें वो जो हाउ दे परफॉर्म एंड हाउ ब्यूटिफुल द कंपोजिशन इज समथिंग लाइक दैट, वट इज़ द थ्रिल ऑफ द परफॉर्मेंस, उसके अलावा यू जस्ट फोकस एट द पर्सन और उनको देखो तो एक चीज़ आपको मिलेगी, ध्यान से देखना आज, दे आर ऑलवेज इंजॉइंग देयर वर्क एंड दे आर इंजॉइंग देयर वर्क, इट इज़ कमिंग आउट सो ब्यूटिफुली, सो मैग्निफिसेंट। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है जो मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि मे बी आपके अंदर से भी मैं वही देखना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे इस चीज़ को इससे रिलेट करने वाला फील हुआ तो मैंने आपसे इसके बारे में बात कर ली। अब जो आज का टॉपिक है मेनली वो रहेगा कि जो स्टूडेंट्स प्लस वन से प्लस टू में जा रहे हैं 11th क्लास से 12th क्लास में, तो वहाँ पे एक ओरिएंटेशन वाली गाइडलाइंस जो क्या होनी चाहिए, जितना मुझे समझ आता है उस बारे में हम बात करेंगे। ये बड़ा लॉन्ग पेंडिंग वीडियो था, पहले जो 10th से 11th में जाते हैं उनके लिए तो पहले बनाया हुआ एक, वो अवेलेबल है चैनल पे, कहोगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नहीं भी कहोगे तो भी दे ही दूंगा। और ये जो नया वाला वीडियो है इस बारे में है कि 11th से जो 12th में जाते हैं, अब जनरली जो स्टूडेंट्स 11th से 12th में जाते हैं उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस होना ठीक है, बहुत सारी चिंताएं भी होती हैं, चिंताएं होना तो ठीक नहीं है,
इसलिए मैं तो कहूँगा कि चिंता नहीं करो, टेंशन वगैरह नहीं लो। अभी डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। सुनो इसको ध्यान से, समझो, दो बार सुनो और फिर अकॉर्डिंगली उसके ऊपर चलने की कोशिश करो। अब वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो पहले से अटैच्ड हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो नए जुड़ते हैं, तो दोनों के अपने अपने एस्पेक्ट रहते हैं। लेकिन उसमें जो कॉमन बातें निकल के सामने आती हैं उसके बेस पे जो मुझे लग रहा है कि हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट वन जो रहेगा वो वाला रहेगा जिसमें वो स्टूडेंट आएंगे जो प्लस वन में अपना कंप्लीट सारा सिलेबस और सारी एक्टिविटीज़ और सारे टेस्ट वगैरह और कंपटीशन लेवल का सारा काम जो भी रिक्वायर्ड था अच्छे तरीके से करके आए, एंड देर इज़ ए काइंड ऑफ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। अब जो सेकंड हम देखेंगे उसमें वो लोग आएंगे जिन्होंने कम्प्लीटली किया, लेकिन फिर भी उनको रहता है बीच बीच में कि कुछ चीज़ें रह गई हैं या कुछ चैप्टर अच्छी तरह से नहीं आते, या किसी का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, या बाई चांस बीमार हो गए, या कुछ आउट ऑफ टच हो गए, या कभी लेट अस से स्कूल एग्ज़ाम्स की वजह से कुछ अटेंड नहीं कर पाए, तो कुछ रह गया जिसको जिसके बारे में उनको बहुत सारी चिंता है। और फिर वो जो थर्ड है उसमें वो लोग आएंगे जिनको लग रहा है कि प्लस वन में बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाया किसी भी रीज़न से, मे बी आप बीमार हो गए, या मे बी आपने कंप्लीट नहीं किया, या आपको कंप्लीट नहीं करवाया गया, और कुछ कभी कभी रहता है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, या ट्यूनिंग नहीं हुई, या खुद ही नहीं पढ़ पाए, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि बारी चिंता प्लस वन से रिलेटेड, तो इन तीनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करनी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर बाद में जब एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो प्लस वन और प्लस टू की क्वेश्चंस की रेशो क्या रहती है। अब इसको इस बारे में इसको ठीक से जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्वेश्चन तो दोनों में से ही आते हैं डेफिनेटली। अब काफ़ी टॉपिक हैं जो प्लस वन और प्लस टू में कॉमन है या एक दूसरे की एक्सटेंशन है, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। अब वहाँ पे डिसाइड करना भी थोड़ा सा मुश्किल है कि वो क्वेश्चन प्लस वन के सिलेबस में से आया या प्लस टू के सिलेबस में आया। सपोज पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट निकालने का क्वेश्चन है तो वो इलेवंथ के दो रिडॉक्सिएशन चैप्टर में कहा जा सकता है, और ट्वेल्थ के वो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में से कहा जा सकता है, तो फिर वो लाइन ड्रॉ करनी मुश्किल है। लेकिन हम ये मान के चले कि दोनों ही अच्छी तरह से आते होने चाहिए तभी वो हो पाएगा। स्टैटिस्टिक्स इसमें बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प नहीं करनी, वो देखो बढ़ आया फिर से एक से एक और आ गया, तो मेरी बात सुन के आते आते जाते लग रहे हैं आपको। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा इस बारे में इंट्रोस्पेक्ट ना करें और बस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली अपना काम करें। काफ़ी टाइम होता है प्लस टू में सब चीज़ों को फिर से एक साथ लेके आने का, तो दैट विल हैपन विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और फिर एक क्वेश्चन उनके लिए भी रहता है जो ऐसे पूछते हैं कि सर वो सिर्फ जैसे बोर्ड्स को ही फोकस करना है, CBSE वगैरह या कोई भी जो आपका बोर्ड है, तो उसमें क्या प्लस वन को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी ये सोचना कि मैं 12th से पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन 11th की चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है वो सारा का सारा तो 11th में, हमारे पास नोमेंक्लेचर है, GOC है, और आइसोमरिज्म है, फिर हाइड्रोकार्बन है एलिफेटिक, और फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज आती है। तो जब प्लस टू में जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफ़ी सारे चैप्टर आते हैं तो ये सारा वहाँ पे कंटिन्यू भी होता है और एक तरह से एक्सटेंड भी होता है, तो वो फिर रिलेटेड है उस तरीके से। बाकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का बेस मोर कंसेप्ट और रिडॉक्सिएशन चैप्टर है ही जो 11th में, तो थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। तो अब हम एक एक करके प्रोग्रेस करते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि आपसे अपनी बातें शेयर करूँ। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जिनको लग रहा कि ऑल वेल, सब किया अच्छी तरह से, सारे चैप्टर्स किए हैं, सबके टेस्ट दिए हैं, सबके असाइनमेंट्स वगैरह किए हैं, टेस्ट दो बार दे दिए हैं, प्रैक्टिस कंप्लीट है, और स्कोर भी अच्छे आते रहे हैं, और अपने लेवल पे भी जो एडिशनल काम करना होता है वो भी किया है, NCERT वगैरह अच्छी तरह से की है, रीड भी की है, बैक एक्सरसाइज भी सॉल्व की है, इंडेक्स क्वेश्चन भी किए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी काफ़ी कमांड है, तो फिर तो बेटा आपके पास बहुत एक सॉलिड प्लेटफॉर्म है। सॉलिड प्लेटफॉर्म दोनों लेवल पे है, सब्जेक्ट लेवल पे भी है और अपने लेवल पे भी है। वो जो दो तरह की नहीं, रादर तीन तरह की तैयारी उसकी बात करेंगे, एक तो फिर वो टॉपिक की तैयारी, और फिर सब्जेक्ट की तैयारी, और तीसरी अपनी तैयारी। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपनी तैयारी तक का, फिर तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसको यूज़ करके आप बहुत अच्छा यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं 12th में। और 12th में मैं कहूँगा कि आपके लिए जो मुझे लग रहा है जो आइडियल बात होनी चाहिए
आप कोशिश करो कि जल्दी आपका सिलेबस वगैरह खत्म हो। खत्म वर्ड इतना अच्छा नहीं है, अच्छी तरह से आपका सिलेबस हो जाए। आप खत्म करने के लिए चीज़ों को छोड़ देना या फास्ट फॉरवर्ड कर लेना या कुछ टॉपिक छोड़ देना, वो सब में नहीं मैं रिकमेंड करूँगा बिल्कुल भी। अच्छे तरीके से बस थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करो, थोड़ा सा टाइम से आगे चलो, अपने टीचर से हेल्प लो, गाइडलाइंस लो कि कैसे किया जा सकता है। तो जो आइडियल टाइम रहता है मेरे ख्याल से बाय द टाइम ऑफ अगस्त समवेयर, तो अगर आप कंप्लीट कर लें उसके बाद यू गॉट सफिशिएंट टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम, रादर आई विल से लॉर्ड्स ऑफ टाइम, जैसे कहते हैं ना टेराइट ए टाइम, बिल्कुल, कि जो आप बहुत बढ़िया फिर आगे अपनी प्रिपरेशन को एक इन ऑल डायमेंशंस कंप्लीट करते हुए फुल रेडी हो सकते हैं हर तरह के एग्जाम के लिए। दोनों तरह के कह रहा हूँ, वो मुझे रिटर्न बोर्ड का एग्जाम भी और बाद में एंट्रेंस एग्जाम जो अगर जनवरी में जेईई मेंस होता है तो उसके लिए नवंबर दिसंबर में एकदम फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ताकि वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द फॉर्म्स टू गेट रिलीज, ना कि हम डरे हैं कि अरे भाई जनवरी में तो नहीं रखेंगे पेपर। इन दोनों चीज़ों में फर्क है। तो उसमें तो जो भी आप अपने टीचर्स को कॉन्टैक्ट करेंगे, जैसे वो आपको गाइड करें उसके अकॉर्डिंगली चलो, लेकिन अपने अंदर से बी वेरी स्ट्रॉन्ग कि जो मैंने अब 11th में मेहनत कर ली है, हार्डवर्क कर लिया, यहाँ से मुझे ऊपर उठते हुए एक पुराना वर्ड आ रहा है कंसोलिडेटेड प्रिपरेशन कर। फिर दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि 11th में सब कुछ किया लेकिन कुछ याद है और कुछ याद नहीं है, कुछ चैप्टर अच्छे से हुए हैं, कुछ चैप्टर अच्छे से नहीं हुए। और इसमें मेजर जो पोर्शन कई लोगों का तो वो वाला चैप्टर वीक होता है, मोल कंसेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन वाला, कि अगर स्टार्टिंग में इतना अच्छा स्टार्ट नहीं मिल पाया तो वो। और मैक्सिमम जो लोग इस क्वेरी के साथ आते हैं रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराना तो लाइफ में और कैरियर में किसी भी स्टेज पे नहीं होता, इसमें तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फिजिकल केमिस्ट्री फिर से आएगी तो मूल कंसेप्ट का काफ़ी पोर्शन फिर से अप्लाई रीअप्लाई होता रहता है। और अगर आपने पहले से किया लेकिन अच्छी तरह नहीं किया तो जो बीच वाला विंडो पीरियड होता है इसमें आप उसको रिवाइज वगैरह करके उसके असाइनमेंट फिर से सॉल्व कर लें, और कोशिश करें एक दो टेस्ट भी उसके ले लें या सॉल्व कर लें, दैट शुड बी ओके फॉर यू, क्योंकि आप पूरा एक साल आपने बड़े अच्छे तरीके से क्लासरूम में निभाया तो आपका मेच्योरिटी लेवल इतना है कि आप ये सब हैंडल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और वो रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपको लग रहा कि कुछ कुछ उसमें वीकनेसेस रह गई हैं, कई कारण होते हैं, कई बार विंटर में पढ़ने का थोड़ा सा मोमेंटम कम होता है, स्कूल एग्जाम्स आ जाते हैं, टेस्ट बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से कभी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो विंटर में ही करवाई जाती है मोस्टली 11th में, तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ी वीकनेस रह गई हो, या ये भी हो सकता है आपको आती हो लेकिन आपको लग रहा है कि आपको वीकनेस रह गई हो। तो इन दोनों चीज़ों को समेटते हुए आप उसको भी रिवाइज कर लें। अगर कोई रिविज़न क्लासेज वगैरह आपके वहाँ पर लग रही हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, उनको जरूर अटेंड करें, नहीं तो आपके पास अपना जो मटेरियल नोट्स वगैरह या वीडियो लेक्चर्स वगैरह कुछ है उसकी हेल्प लेते हुए लिख के देखें रिएक्शंस को, शॉर्ट नोट्स बनाएं, और एक जो हम कभी कभी कहते हैं वो फ्लो चार्ट्स वगैरह वो बनाएं, चीज़ों को इंटरलेट करें, असाइनमेंट सॉल्व करें, टेस्ट सॉल्व करें, एंड यू आर थ्रू इट। और जैसे जैसे 12th का सिलेबस प्रोसीड होगा साथ साथ कोई 11th के चैप्टर्स को उसमें इंक्लूड नहीं करें, 12th का सिलेबस अपने आप में कंप्लीट होता है और काफ़ी अच्छा होता है और डिमांड करता है आपका पूरा टाइम और अटेंशन। इस बारे में इस वीडियो के एंड में हम फिर से बात करें। फिर वो जो आते हैं थर्ड वाली बात, कि अगर आपको लग रहा है कि 11th में कुछ खास नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, पहला मेरा पॉइंट ये है कि वरी नहीं करना, आपको अपने टैलेंट अपने पोटेंशियल को पहचानना है, अपनी कैपेसिटी को सबसे ऊपर रखना है, नो योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, तभी मैं ये बात शुरू करूँगा। मान लो कुछ भी नहीं किया, लेट अस से कोई आके कह रहा है कि सर मुझे 11th में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं, कोई भी कारण हो सकता है, किया या नहीं किया उसको इंक्लूड नहीं करें किसी भी रीजन से, तो मैं ये कहूँगा कि तब भी चिंता बिल्कुल नहीं करें। जैसे कई सोचते हैं कि जैसे जैसे 12th होगी मैं साथ साथ 11th के भी चैप्टर शुरू कर लूँ तो उससे मेरे दोनों अच्छे हो जाएंगे, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब 11th का सिलेबस हो रहा था तब 11th का टाइम था उसको करने का, अभी 12th का सिलेबस होगा तो उसमें टाइम है उसको 12th का सिलेबस करने का, उसके साथ 11th के चैप्टर रिवाइज आइडियली नहीं करने चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए, क्वेश्चन ही आता है कि क्या मुझे 12th में जो आप जो पढ़ाया जाएगा वो समझ आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 12th में जितने भी चैप्टर हैं उसमें थोड़ा थोड़ा प्लस वन का पार्ट अप्लाई होता है, इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपको बेनिफिट है, क्योंकि जैसे वो पार्ट अप्लाई होगा
वैसे वो पार्ट फिर से क्लास में डिस्कस होगा, उसके बारे में बात होगी। आप टीचर से क्वेरी कर सकते हैं कि ये मैंने नहीं किया हुआ, थोड़ा आप इसके बारे में और बता दें, तो डेफिनेटली वो आपको बताया जाएगा। और अगर पहले से कोई चैप्टर या एक पोर्शन वगैरह आपने नहीं किया हुआ, सपोज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जो भी है, तो उसमें फिर जो परफेक्ट स्ट्रेटजी ये है कि जब कोई चैप्टर पर्टिकुलर कराया जाता है तो उसमें जो पोर्शन प्लेमेंट के अप्लाई हो रहे क्लास में थोड़े थोड़े, वो भी ज़्यादा ही कई बार डिस्कस हो जाते हैं, तो अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ उसमें कम है, तो जो स्ट्रेटजी नंबर वन है कि जो भी उससे रिलेटेड आपको कराया जा रहा है उसको बड़े अच्छे तरीके से ग्रैस्प करो, रिटेन करो और उसके ऊपर धीरे धीरे सब्जेक्ट डिवेलप करो। नंबर टू, उस टॉपिक के किसी से नोट्स लो, सिर्फ उस टॉपिक के, मैं नहीं कह रहा पूरा चैप्टर ही करने बैठ जाओ, उस पोर्शन के किसी से नोट्स लो, नोट्स को अपने आप लिखो, समझो और उसके साथ रिलेट करते हुए परफेक्ट, जो वर्ड मैं सोच रहा हूँ, कैलिब्रेट, परफेक्ट कैलिब्रेशन से अपना वो सब्जेक्ट और टॉपिक जो है वो डिवेलप करो। इससे दो बातें होंगी, एक तो आपको ट्वेल्थ के पोर्शन में कोई मुश्किल नहीं आएगी और दूसरा आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है कि वो जो अपनी तैयारी होती है वही सब कुछ लेके आती है, लेकिन ये स्टार्ट ही वहाँ से होगा जहाँ पर छोटा सा कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है कि जो भी कराया जाएगा आई विल गो अकॉर्डिंग टू इट। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी। मान लो 11th का आपको मैक्सिमम पोर्शन नहीं आता है, तब भी चिंता नहीं करनी। काफ़ी, अब मैं परसेंटेज में तो कभी कभी कह देता हूँ 40-45% मेरे ख्याल से चीज़ें हैं 11th की जो 12th में फिर से आ जाती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वो आइसोमेरिज्म हो गया, VOC की बातें हो गई, वो हाइड्रोकार्बन के जो रिएक्शन है, एल्कीन के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ ताकि अच्छी तरह से आप इसको रिलेट कर पाएँ, जैसे मार्कोनिकोव रूल, परोक्साइड इफेक्ट वगैरह, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये सब हैलोजन डेरिवेटिव के चैप्टर में फिर से आएगा 12th में और फिर अच्छी तरह से करवाया जाएगा। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के चैप्टर में फिर से आएगा, वो बीटा एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, वो भी इसमें हैलोजन डेरिवेटिव में फिर से आएगा, तो ये सब रिपीट होंगे। और वो जो एरोमेटिक वाला पार्ट है, इसमें जो मेन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो 12th के हर एक ऑर्गेनिक के चैप्टर में जो एरोमेटिक पोर्शन है उसमें फिर से अप्लाई होगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 12th को अच्छी तरह से फोकस करें और 11th आपका रिवाइज ना हो साथ साथ, या वो आपका स्ट्रेंथन ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो साथ साथ होएगा ही। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रखते हैं। सोच नंबर वन ये है, मुझे 11th का नहीं आता भाई, मेरा क्या होगा, गलत सोच है। सोच नंबर टू है, मुझे 11th का ज़्यादा नहीं आता लेकिन जो साथ साथ चल रहा है मैंने इसको पकड़ के समेट लिया और आई एम गोइंग अलॉन्ग विद इट। प्लस 12th में हार्डवर्क करना तो बहुत जरूरी है। अब पर्सनली मैं ये नहीं रिकमेंड करता कि 11th के चैप्टर साथ साथ फुल फ्लैश शुरू किए जाएं, क्योंकि 12th का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी हैवी होता है, नए कॉन्सेप्ट वगैरह भी आते हैं, तो उनको पूरी तरह से अटेंशन देना, पूरी तरह से फोकस रहना उसके बारे में और अच्छी तरह से उसको टाइम देना। टाइम से मतलब स्टडी टाइम, क्वालिटी टाइम तो है ही, अपना जो मन का टाइम है वो भी देना, उसके बारे में सोचना वो बहुत ज़रूरी है। तो फिर भी ये सब करने के बाद अगर कुछ रह जाए तो फिर वो जो बाद में 12th का सिलेबस ख़त्म होने के बाद टाइम बचता है, काफ़ी होता है, टाइम पे सिलेबस ख़त्म होना तो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द बॉटम लाइन आई विल से, वो उसके बिना तो काम नहीं चलेगा, वो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें वो जो पेंडिंग चीज़ें हैं, जब 11th और 12th के कम्बाइंड टेस्ट शुरू होते हैं, टेस्ट सीरीज शुरू होती है, फिर वो वाला पोर्शन भी हो जाता है। लेकिन उस स्टेज पे आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है वो डिपेंड करेगा कि कोर्स के साथ साथ आप कैसे चलते रहें। ये तो तीन तरह की बातें होगी। अब कुछ जनरल बातें हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल है। एक साल आपने क्लासरूम्स में बिता लिया, एक एक बार आपने हर एक सब्जेक्ट का पूरा पूरा सिलेबस कर लिया, एक एक बार आपने असाइनमेंट्स भी हैंडल कर लिए, एक एक बार या दो दो बार आपने टेस्ट वगैरह भी दे लिए, तो यू हैव टू सी हाउ यू हैव बीन ग्रोइंग अप विद इट। ये आपकी एक अपनी जर्नी रही है, आपका एक अपना मेटामॉर्फोसिस टाइप कह सकते हैं रहा है कि आप 10th से 11th में जैसे जा रहे थे, नाउ यू आर अ डिफरेंट पर्सन जो आप 11th से 12th में जा रहे हैं। मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट है, ग्रेस्पिंग डिफरेंट है, एक नज़रिया डिफरेंट है और हाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वो डिफरेंट है। आप क्लासरूम में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसके बारे में अलग से वीडियो है, उसका भी लिंक शेयर कर दूँगा, वो भी फिर से देख लेना अगर भूल गया, अगर नहीं देखा तो फिर तो ज़रूरी है वो देखना। तो स्ट्रेटजी थोड़ी सी 11th से 12th में डिफरेंट होनी चाहिए। नाउ यू आर ए मोर मेच्योर पर्सन, आपको विज़न थोड़ा सा अलग है एज जो आपका विज़न जो 10th से 11th में था।
एंथुसियाज्म जोश ज़्यादा ही होना चाहिए और स्ट्रेटजी बेटर होनी चाहिए, फोकसिंग ऑन द रिटेंशन एंड फोकसिंग ऑन द एप्लीकेशन पार्ट। और मैं तो कहूँगा कि जो टॉपिक्स हैं आप बार बार पढ़ोगे टेस्ट वगैरह के लिए, टॉपिक की तैयारी और सब्जेक्ट की तैयारी, उसमें तो रेपिटेशन से हेल्प होती है। जो अपनी तैयारी है वो आपकी बहुत ही पर्सनल होती है, वो तो डे वन से स्टार्ट होती है। हो सकता है मैं ये जो आपसे बात कर रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसको दो बार सुने, तो यहीं से आपकी अपनी तैयारी को एक बड़ा अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। उन्होंने मिलना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़रूरी है, इसी को मैं कहूँगा कि दीज आर द ओरिएंटेशन थिंग्स। एंड वंस द क्लास स्टार्ट्स, तो उसके बाद तो फिर क्लास में जो कराया जाए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उसके साथ साथ चलते हुए प्लस अपनी तैयारी कैसे डेवलप करनी, इस बारे में हमने सारी बातें कर ली। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप प्लस वन में जो भी सिचुएशन है, अच्छी है या बहुत अच्छी है या सबसे अच्छी है, बिल्कुल भी किसी किस्म की चिंता नहीं करना, आराम से स्टार्ट वर्किंग। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप अच्छे अच्छे सक्सेसफुल लोगों से देखें तो हाउ दे एंजॉय देयर वर्क, और इफ़ यू हैव टू एंजॉय योर वर्क, एंजॉय द लर्निंग, वंस यू एंजॉय द लर्निंग यू विल एंजॉय द परफॉर्मेंस। तो दोनों चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और बस यही बातें थी, है ना? बाकी कुछ और आप कहोगे तो उसके बारे में फिर से वीडियो लेके आ जाऊँगा। वो मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो कि वो जो एक क्लासरूम के डायलॉग वाला वीडियो था वो पेंडिंग है। अरे उस दिन इंस्टाग्राम पे उसके बारे में मैंने लिए ना वो था डायलॉग शेयर करने, इतने सारे इकट्ठे हो गए, उनको मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं, पर उसका वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आई नो आई एम गोइंग टू एंजॉय दैट, वो बहुत ही अच्छा लगने वाला। बड़ी जल्दी उसके साथ आता हूँ मैं आपके पास। तो इस अच्छे नोट पे, बहुत अच्छा दिन है, सच ए ब्यूटीफुल डे, संडे आज, और संडे को तो क्या, तो मुझे एक बात याद आ रही है, आपको सुना ही देता हूँ, कभी कभी मैं संडे को कहता हूँ, मेरे ख्याल से अभी लोग हंसना शुरू हो गए हैं, अगर आप जो जानते हैं इस बात को, कभी कभी मैं क्लास में कहता हूँ सैटरडे को कि संडे को 11:30 बजे मैसेज आएगा, एंड एवरीबॉडी नोज की मैसेज, या कोई असाइनमेंट का मैसेज आएगा या कोई टेस्ट का नोटिस आएगा या कुछ क्वेश्चन भेज दें करने के लिए। और इसका जो लाइटर वर्शन है वो ये है कि संडे को बच्चे लेट उठते हैं, लेट उठने के बाद फिर जैसा अपने सिटी में है 11:30 बजे बाहर से ब्रेकफास्ट लेने, मुझे पता है कुलचे आपके दिमाग में आ रहे हैं, जब आप वहाँ खड़े होंगे कुलचे खरीदने के लिए, तो उस समय सर का मैसेज आ जाएगा कि मंडे को या ट्यूसडे को ये टेस्ट है या ये होमवर्क करके सबमिट करना है। तो इट्स ऑल फन, इन्जॉय करते हुए पढ़े तो सबसे अच्छा है, इन्जॉय करते हुए सारी चीज़ें करें वो तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा है। चलें फिर, और वीडियो कैसे बंद करना वो फिर मुझे फिर से कहना पड़ेगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दो, नहीं भी ज़्यादा अच्छा लगा फिर भी कर दो, ठीक है, वो भी पॉसिबल है, और लाइक तो कर ही दिया होगा आपने, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ताकि अच्छा लगे मुझे बस, और दो चार फ़ोन पकड़ के वहाँ से भी सब्सक्राइब कर दो। ये तो स्टैंडर्ड बातें जो मुझे कहा जाएगी। अरे फिर से वो बर्ड्स आते जा रहे हैं, मज़ा ही आ रहा है वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा, और वीडियो बंद करने का वही तरीका है पहले की तरह, हमेशा क्या बोलना होता है बस जी। एक बात मैं कहना भूल गया, फिर से आ गया, अभी ये टेरेस पे ना बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह लगे हैं, तो अभी जस्ट ये वीडियो बंद करने के बाद उनकी पिक्चर्स ले रहा हूँ और वीडियो के एंड में अटैच करूँगा, तो उनको भी देखना, इन्जॉय योरसेल्फ।